लगातार उठापटक जारी है। ऐसे में आज एबीपी न्यूज पर विधायकों का ओपिनियन पोल लेकर हम आए हैं। जी हां, एमएलएस का ओपिनियन पोल। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने 3 राज्यों में बीजेपी के विधायकों से बात की, उनका मूड जाना, और सबसे पहले राजस्थान के विधायकों का मूड क्या है देखिए आप। जो हमारा पूरा संपूर्ण भाजपा परिवार, राजस्थान शीर्ष नेतृत्व, ये विराट जो परिवार है, सबकी सहमति से आपस में चर्चा होके ये तय होना ही हमें पता है, और जो तय होगा उसमें हमारी सहमति है, परस्पर सहयोग है, जो आता है उसके साथ ही हमें जुड़ जाना है, क्योंकि परिवार है ये संगठित। यहाँ पर हमारा सारा परिवार, दिल्ली हो कि राजस्थान हो, पूरा भारत का भाजपा परिवार मिलके काम करता है, और उसी आधार पर यहाँ हमारे राजस्थान में भी तय होगा। आपकी सोच देखिए, हम पार्टी पे जो निर्णय करेगी, पार्टी बात करेगी, उसके ऊपर हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जो भी संसदीय बोर्ड तय करेगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वही बनेगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई जो पार्टी तय करती है उसके साथ हम। अच्छा, सुंदरा जी के साथ हैं कि नहीं ये नहीं बता रहे जी को बनाएंगे, तय करेंगे तो सुंदरा जी के साथ हैं। जोगलाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक। आपसे एक ही सवाल इसमें पूछा जा रहा है सबसे, वही सवाल आपसे भी मैं पूछूंगा, या अपने आप बताएंगे कि सीएम कौन? वही जो हमारा पार्टी का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय। एक लाइन की बात है, वही आप सबसे कहते वही सबसे। देखिए, वसुंधरा जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, वो भी सर्वमान्य नेता है, और सभी हर बच्चा जानता, तो वो भी हमारी लोकप्रिय नेता है। लेकिन अब निर्णय जो है वो केंद्र नेतृत्व के हाथ में है, जो केंद्र नेतृत्व जो तय करेगा उसी अनुरूप हम करेंगे। हम तो सिपाही है, और कमांडर हमारा जो कमांडर निर्देश देगा वो सिपाही काम करेगा। मेरी राय भाजपा के साथ है, भाजपा के निर्णायक फैसले जो लेने वाले आला हाईकमान है उनके साथ है। मैं कमल का फूल का प्रत्याशी हूँ, और मेरे लिए सब प्रत्याशी जो है कमल का फूल है, जो जीएम का चेहरा भी है वो कमल का फूल। पॉलिटिकल जवाब दे दिया, मुझे बताइए आप। जवाब नहीं है, मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, इसमें पॉलिटिकल जवाब ही नहीं है। तो विधायकों का मूड क्या है ये तो हमने आपको बता दिया है। राजस्थान में सीएम की रेस को लेकर ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर ये। इस वक्त इस रेस में गजेंद्र सिंह शेखावत आगे हो गए हैं, अश्विनी वैष्णव थोड़ा पीछे दिख रहे हैं, वसुंधरा पीछे ही दिख रही हैं लगातार। शुरू में वो आगे थी लेकिन उसके बाद पिछड़ती चली गई, और फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर ये कि गजेंद्र शेखावत अभी सबसे आगे चल रहे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं जो पॉलिटिकल मीटर है इन सभी का, रेस में कौन आगे कौन पीछे, वो आप देखिए आपके सामने ये पूरी तस्वीर है। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कांटा आप देख रहे हैं ग्रीन में, अभी रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, कुर्सी की इस दौड़ में सबसे आगे दौड़ते हुए दिख रहे हैं इस वक्त गजेंद्र शेखावत। इसके बाद देखिए अश्विनी वैष्णव, उनका नंबर कहां पर आता है ये आप देखिए, अभी रेस में दूसरे नंबर पर वो नजर आ रहे हैं। ये कांटा जहां पर रुका है पॉलिटिकल मीटर, उस लिहाज से नंबर 2 पर, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद अश्विनी वैष्णव का नंबर आ रहा है सीएम की दौड़ में, नंबर 2 वो दिख रहे हैं। वसुंधरा राजे पिछड़ गई है, क्योंकि ये कांटा देखिए रेड जोन में पहुंचा हुआ है, ये पॉलिटिकल मीटर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम की रेस जो जारी है वो वसुंधरा राजे जो शुरू में सबसे आगे चल रही थी लेकिन अब वो पिछड़ती दिख रही है। आइए सीधे हम आपको जयपुर लिए चलते हैं, मनीष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये जो कांटा है कुर्सी की दौड़ में कौन कहां पर है, इसमें आपके पास वहां से क्या जानकारी है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल अखिलेश, आपने अभी वसुंधरा राजे के पिछड़ने का जिक्र किया, तो अगर संकेतों की भाषा को समझा जाए तो राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाने के पीछे एक बड़ा कारण और भी है, क्योंकि वसुंधरा राजे जो पार्टी के केंद्रीय नेता हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात मानती हैं तो राजनाथ सिंह, तो ऐसे में कहीं एक संभावना ये भी नज़र आती है कि हो सकता है वसुंधरा, जैसा हम बता रहे हैं कि रेस में काफ़ी पीछे हैं और उनकी मान मनोबल का जिम्मा राजनाथ सिंह को दिया गया हो, क्योंकि अगर शक्ति की स्थिति आती है तो कहीं वसुंधरा राजे थोड़ा नाराज ना हो जाए, तो उन्हें मान मनोबल के लिए राजनाथ सिंह से बेहतरीन चेहरा केंद्रीय नेताओं के पास नहीं है, और राजस्थान में इसलिए भी क्योंकि जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी तब राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपको याद होगा तब वसुंधरा ने गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने से रोका था और राजनाथ सिंह ने वसुंधरा का खुलकर सहयोग किया था,
तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो अलाइनमेंट है उसका इस्तेमाल पार्टी आलाकमान करना चाहता है, और यही संकेत है कि वसुंधरा इस दौड़ में थोड़ी सी पिछड़ गई हैं। जिन गजेंद्र सिंह शेखावत का आपने जिक्र किया रेस में, वो पहले दिन से थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा मंत्रियों में गिने जाते हैं, राजस्थान से आते हैं, बड़ा लोकसभा चुनाव जीता, मुख्यमंत्री के बेटे को हराकर फिर मंत्री बने, और राजस्थान के मुद्दों पर गजेंद्र सिंह शेखावत हमेशा मुखर रहे। तो यही वो कारण है कि जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस रेस में थोड़े आगे हो गए। हालांकि ये रेस अभी चलती रहेगी। जब मैं आऊंगा मनीष आपके पास दोबारा मैं लौटूंगा, लेकिन अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगा। अंकित, गजेंद्र शेखावत मंत्री हैं अभी, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, और जो खबरें आ रही है कि फिलहाल इस दौड़ में अब सबसे वो आगे हो गए हैं, क्या अपडेट है आपके पास इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कुछ आला नेताओं से और जो पर्यवेक्षकों से, हम जो जिनको नामों का ऐलान किया गया है उनमें से अलग अलग हमने कोशिश की है कि पर्यवेक्षकों से बात की जाए। हालांकि कैमरे पर जो सब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर एक संकेत मिला है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा तो सांसद भी हो सकता है और विधायक भी हो सकता है, और उससे एक वो विकल्प खुल जाता है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत, और वो क्यों, मनीष ने हालांकि विस्तार से जानकारी दे दी है, लेकिन वो ये भी समझना होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत वो मंत्री हैं जिनके पास में जल शक्ति मंत्रालय है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनमें से जल शक्ति मंत्रालय है, प्रधानमंत्री के भरोसेमंद मंत्री हैं, और इतना ही नहीं राजस्थान की राजनीति पर अच्छी पकड़ रही है। जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी बात हुई थी उस दौरान, जिस बात का जिक्र मनीष कर रहे थे कि वसुंधरा के जो ऐतराज के चलते वो नहीं बन पाए थे उस दौरान, लेकिन निश्चित तौर पर वो जमीनी पकड़ है। और इतना ही नहीं, अभी जब कई विधायक जो जीत कर आए हैं, भले ही वसुंधरा के यहाँ आपको जाते हुए दिखे हो, लेकिन कई विधायक लगातार वो गजेंद्र सिंह शेखावत के भी संपर्क में रहे हैं, और इस बात की हमारे पास में जानकारी आ रही है। तो निश्चित तौर पर विधायकों को भी पता है, वो किसी का नाम ले ना ले, लेकिन जो ये मुख्यमंत्री पद की रेस है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार बने हुए हैं। जी, और अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं, जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है, अभी भी राजनाथ सिंह जेपी नड्डा के घर पर ही हैं, बीजेपी के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके घर पर हैं, यानी लगातार वहां पर मंथन जारी है, सलाह मशविरे का दौर चल रहा होगा। जैसे ही कुछ जानकारी वहां से मिलेगी आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।